संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अनुवाद का अध्ययन कर रहे हैं, आज हम छठवां अभ्यास जानेंगे। छठवें अभ्यास में थोड़ी सी शब्दकोश के बारे में जान लेते हैं, फिर सीधे हम वाक्यों पर चलेंगे, क्योंकि शब्दकोश के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और ये किसी भी भाषा का शब्दकोश जो होता है प्राण होता है। यदि आपका शब्दकोश विस्तृत हो जाएगा तो भाषा सरल हो जाती है, अन्यथा बड़ी ही कठिन रह जाती है। तो इसमें हमने जो पांचवा अभ्यास था उसमें पुल्लिंग के शब्द फिर से दोबारा देखे हैं। पहले भी हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ऐसे अध्ययन किया था, फिर पांचवें में फिर पुल्लिंग से शुरू हुआ है और इसमें नपुंसकलिंग है। धनम, नगरम, आसनम, अध्ययनम, ज्ञानम, कार्यम, ओदनम, वर्षम, दिनम, ये सब गृहवत चलेंगे या वनवत चलेंगे। वनम वनी वनानी या ग्रहम गृह ग्रहणी, इस तरह से नपुंसक लिंग में जो गृह है, ग्रहम गृह ग्रहणी, ग्रहम गृह ग्रहणी मात्र प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में तो नपुंसक लिंग एक जैसा ही रहता है, और तृतीय विभक्ति में ये पुल्लिंग की तरह चलते हैं, अर्थात राम की तरह इनका सीधे प्रयोग किया जा सकता है। वैसे भी इसमें दे रखा है कि शब्द रूप जाकर के ग्रह शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। अगर इसके अनुसार मैंने बताया तो इसके अनुसार आपको चलना ही होगा, तभी इसमें हम अच्छे से पारंगत हो पाएंगे, अन्यथा फिर ढाक के तीन पाती रह जाते हैं। धातु है खाद, धाव, क्रीड, चल, अधिशी, शी धातु है, उसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है। अधिस्था, स्था धातु है, अधि उपसर्ग है, अध्यास्ते। हम शब्द उपसर्ग और धातुओं से मिलने से जो व्यवस्था बनती है उनके बारे में एक विशेष रूप से अध्ययन कराने का प्रयास करेंगे बहुत ही अच्छे से। फिर इसमें ये अव्यय शब्दों का प्रयोग है, उभयता, सर्वता, अधिक, उपरी, अधा, अधि, अंतरा, अंतरेण, विना। इसमें जो 16वां नियम पांचवी बताया गया था वो यहां दे रखा है, रा और शा के बाद ना हो, ना को ना हो जाता है। जैसे राम शब्द है तो रामाणाम, रामेण, लेकिन बालका, बालक शब्द में रा नहीं है ना शा है, तो बालकेन, बालका नाम, वहां पर ना का ना नहीं होता, केवल रा और शा यदि है तो उसको ना का ना हो जाता है, अट परे रहते। इन शब्दों के यह नियम लगा, गृह, गृह, नगर, कार्य, वर्ष, पुष्प, पत्र, जिसमें सब में किसी में रा रहा है, किसी में शा रहा, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन जो होता है वो बदल जाता है, रामेण तृतीय विभक्ति का बदल जाता है, प्रथमा द्वितीय का बहुवचन हो जाता है इसमें, इसमें भी दे रखा है इस तरह, ग्रह गृह ग्रहणी बहुवचन है इसमें। चलिए इसका अध्ययन करेंगे विस्तृत से तो आपको पता चल ही जाएगा। लोट लकार का इस पूरे अभ्यास में अभ्यास करना है, लोट लकार बड़े अच्छे से सीखना है। लोट लकार भवतु भवता भवंतु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम, इसमें किसी में भी कोई भी विसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, मात्र दो जगह हलंत है, भवताम भवतम यानी मध्यम प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के द्वितीय वचन में हलंत का प्रयोग है, बाकी सब ठीक है, कोई भी ना हलंत है ना विसर्ग है। इनके सबके रूप इसमें नीचे दे रखे हैं, खादतु, धावतु, कीड़तु, चलतु, कथयतु, भक्षयतु। लट में अधिशी, अधि शेते, शेते, शेरते, शेरंते, इस तरह से रूप चलते हैं इसके। अधिस्था, अधितिष्ठति, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, बिल्कुल अधि, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता रूप में, यदि उपसर्ग लग जाते हैं तो संधि होकर के सीधे रूप ज्यों की त्यों चलते हैं, इसमें रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। अधि आस, अधि धन आस, तो संधि हो जाएगी, एक स्थान आदेश एक यण संधि हो जाएगी, अध्यास बन जाएगा, अध्यास्ते, आस्ते, आसेते, आसंते, इस तरह से, ठीक है। थोड़े से दुश्मन नियम है दो तीन, इससे देख लेते हैं। उभयता, सर्वता, अधिक, ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी संधि करिए, ऊपरी ऊपरी, ठीक है। अधोवदा, मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ, जाकर के कर्म कारक हमारा देख लीजिए द्वितीय विभक्ति का, क्योंकि हम द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, और उसके दो से तीन बार देखने के बाद फिर इनका अभ्यास करो तो आपको इनके जो यहाँ नियम दे रखे हैं याद करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अधो अधा, अधि अधि के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतरा, अंतरिण युक्त, अंतरा और अंतरिण शब्द है, इन दोनों के साथ में अव्यय का प्रयोग है, सीधे
द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया था। इसमें विना शब्द भी दे रखा है, उसमें भी द्वितीय का प्रयोग। अधिशिंग स्थासाम कर्म, अधि उपसर्ग स्था और आसाम जो आस है उसके साथ में कर्म का प्रयोग किया जाता है, कर्म संज्ञा हो जाती है। काल अध्वन और अत्यंत संयोग, काल और अध्वन यानी मार्ग में मार्गवाची और कालवाची जो शब्द हैं उनसे सीधे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है क्योंकि उलझा वार वाला है। अपवर्ग तृतीय जैसे प्रयोग किया जाता है तो वहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। शब्द यही है काल अध्वन और अत्यंत संयोग, तो इसको जाकर के आप देख लें तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। अब सीधे अभ्यास पे चलते हैं, 5 मिनट हम इसको अवश्य देते हैं और जिससे कि आपको रूपरेखा दिमाग में सही से बैठ जाए और आपको क्या करना है वो समझ में आ जाए। उदाहरण में आप उदाहरण वाक्य हैं उनको अच्छे से अभ्यास करिए। मैंने बताया था इस पुस्तक को अध्ययन करने के लिए किसी भी ट्यूटर की, किसी भी अध्यापक की, किसी भी यूट्यूबर की, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये किताब, आपके पुस्तक आपके हाथ में आ जाए और इसमें जो जो बोला गया है ईमानदारी से अपने प्रति ईमानदार हो जाए तो किसी की भी आवश्यकता नहीं अध्ययन करने के लिए। और वास्तविकता तो यह पुस्तक है तो पुस्तक ही गुरु है, अध्ययन की किसी से आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक कभी कभी संदेह रहता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, इसके लिए हाँ यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं या किसी अध्यापक की सहायता ले सकते हैं। चलते हैं हम संस्कृत बनाव पर, सीधे डाल लेते हैं यहाँ पर अभ्यास अनुवाद, ठीक है। और ये अभ्यास है अभ्यास 6, इसमें तो बिल्कुल हिंदी में ही अंक दे रखे हैं लेकिन हम हिंदी में ना लेकर के इस तरह से लिखेंगे। अभ्यास 6 पहला है दिनेश पुस्तक पढ़े, क्योंकि ये प्रार्थना के रूप में भी प्रयोग हो जाता है, लोट लकार जो है जो होता है। अच्छा, ये सातवें अभ्यास करने से पहले हम इनको ये जानेंगे कि कौन सा धातु रूप किस में प्रयोग किया जाता है। आज तो संभव नहीं है, सीधे सीधे इसमें चलेंगे और उनको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा मैं अगली बार जब बताऊंगा कि लट लकार कहाँ होता, वर्तमान लट, परोक्ष लेट होता है, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। लेट लकार होता है परोक्ष काल में। तो इसमें दिनेश पुस्तक पढ़े तो दो अर्थ होते हैं, एक आज्ञार्थक होता है और एक प्रार्थना के रूप में, दोनों में लोट लकार का यहां प्रयोग किया जाता है। तो दिनेश पुस्तक पढ़े सीधा आदेशात्मक है, प्रार्थना नहीं है यहां। तो दिनेश पुस्तकम पठतु, बस सीधा। छोटी सी और बात बताता चलूं, नियम जो लगते हैं संस्कृत में वो आपको याद रखना है। कोई भी नियम, जब भी नियम लग जाएं वो प्रकृति के अपवाद होते हैं। प्रकृति मतलब स्वभाव, ठीक है, उसके अपवाद होते हैं चाहे कोई भी नियम हो। मैंने ये बताने का शायद जब कारक अध्ययन कर रहे थे तब भी बताया था, हम जब कारकों के चिन्हों को जान जाते हैं तो हम चिन्हों के अनुसार भी सीधे अनुवादों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चिन्हों से हटकर के जब कोई अन्य कोई कारक प्रयोग किया जाता है, अन्य कोई विभक्ति प्रयोग किया जाता है, तो वहां नियम की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही जब समास का अध्ययन करेंगे तो समास में ही बताएंगे सीधे समास को प्रयोग कर सकते हैं। एक दोहा टाइप में है, बहुत ही व्यवहारिक है, उसको देने का प्रयास करेंगे, बहुत ही सरल है, इससे कि सारे जो रूपरेखा है दिमाग में एकदम से बन जाएगी, फिर कभी भूलेंगे भी नहीं समास बहुत ही सुंदर तरीके से। तो मेरा उद्देश्य रहता है कि हम प्रकृति में जैसे जी रहे हैं वैसे अध्ययन करें। अध्ययन के लिए अध्ययन करेंगे तो भूल जाएंगे, उसको व्यवहार में ले आए, कोई भी चीज व्यवहार में आ जाती है तो उसको अच्छे से सीख जाते हैं। तो यहां पर सीधा कहीं कोई नियम नहीं लगाना, सीधा कह रहा है कि दिनेश पुस्तक पढ़े। हम जानते हैं कर्म में द्वितीया होती है, दिनेश करता है और पढ़े क्योंकि आदेशात्मक है थोड़ा सा, तो लोट लकार का सीधा प्रयोग कर लेंगे। दिनेश पुस्तकम पठतु, भवतु भवताम भवंतु, क्योंकि थोड़ा सा एक को देखते चलें। दिनेश पुस्तक पढ़े,
अब यहाँ पर दिनेश है वो कर्ता है, हम जानते हैं कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। पुस्तक कर्म है तो पुस्तकम, क्योंकि एक एक वचन है, ये भी एक वचन, ये भी वचन है, तो क्रिया जो है वो दिनेश के अनुसार चलेगी, क्योंकि दिनेश कर्ता है, कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। कर्तृवाच्य का अध्ययन कर रहे हैं, कर्मवाच्य का अध्ययन नहीं कर रहे हैं हम। तो पढ़े यानी पठतु, क्योंकि भवतु भवताम भवन्तु, भवतु भवताम भवन्तु एक वचन भवतु है, इसलिए पठ के रूप चलेंगे पठतु, ठीक है। दिनेश पुस्तकम, पुस्तक पढ़े, दिनेश पुस्तकम पठतु। ऐसे आगे है रमेश खाना खाए, रमेश भोजनम खादतु, वह दौड़े, सीधा प्रयोग है। सह धावतु, प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया जा रहा, अन्य पुरुष का ही प्रयोग किया जा रहा अब तक। वह खेले, सह खेलतु या क्रीडतु, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। राम यहां से चले, राम यहां से चले, तो राम यहां से चले तो रामहा अत्रमानी यहां होता है, लेकिन यहां से शब्द लगा तो इसका मतलब हो जाएगा इतः चलतु, ठीक है। चल धातु का सीधा प्रयोग लेंगे चलतु, इसमें शायद कुछ और दे रखा हो, चल ही दे रखा है इसमें भी, ठीक है। चलतु, धावतु का यहां प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दौड़ने की बात नहीं हो रही है। खा में चलते हैं, क्योंकि ये अब तक प्रथम विभक्ति का प्रयोग, प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया, अब मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जा रहा है। तू धन की इच्छा कर, तो त्वम धनम इच्छ, सीधा तू नगर को जा, त्वम नगरम गच्छ, एक वचन है तो हमें पता है गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ, मध्यम पुरुष का एक वचन प्रयोग होगा। इसको थोड़ा देख लें सुलभ हो जाएगा। तू नगर को जा, तो इसमें आ जाएगा त्वम नगरम गच्छ, ठीक है। आठवां है तू फूलों को देख, क्योंकि बहुत से फूल हैं, तो त्वम पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, एक वचन और प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, अर्थात कर्ता और कर्म में दोनों एक जैसा ही होता है। त्वम पुष्पाणि पश्य, दृश्य माने देखना और दृश्य का पश्य हो जाता है, पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्य। तू ज्ञान की इच्छा कर, त्वम ज्ञानम इच्छ, तू घर के कार्य को ही देख, त्वम गृह कार्यम, अब गृहस्थ कार्यम नहीं आएगा इसमें, ठीक है, याद रखना। तू घर के कार्य को ही देख, ठीक है। अब तू त्वम सीधा हो जाएगा, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। गृह के कार्य में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो गृह कार्यम याद रखना पूरा एक जैसा, गृह से कार्यम नहीं करेंगे हम, कार्यम, अब इसको इस भी कर सकते हैं, कार्यम एव पश्य, संधि करना चाहे तो अचिहीन परिण संयोजन हमने जान लिया है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कार्यमेव पश्य, ठीक है। त्वम गृह कार्यमेव पश्य। अब बात आती है उत्तम पुरुष की, ये सिखाए जा रहे हैं तीनों के जो पुरुष हैं तीनों, वो कैसे प्रयोग किए जाएंगे लोट लकार में,
मैं चावल पकाऊं? अब यहां पूछ रहे हैं, अहम ओदनम पचानी, ठीक है, मैं दौड़ूं, अहम धावानी, कवि भवानी, भवाव, भवाम, इस तरह से रूप चलते हैं। मैं खेलूं, अहम कीड़ानी, मैं चलूं, अहम चलानी, मैं फल खाऊं, अहम फलम खादानी, बिल्कुल सीधे सीधे इसमें प्रयोग हैं। अब यहां तक हमने इस लोट लकार को सीख लिया, अब बात आती है जो नियम दे रखे हैं उनकी, तो ये उदाहरण हैं, इनको देखते चलेंगे। नगर के दोनों ओर वन हैं, ठीक है, तो नगरम, क्योंकि हमें पता है उभयता सर्वता, उसमें था अभितः परितः समयानिक्षा, इसमें उभयता परित सर्वता, तो उभयता का प्रयोग करेंगे। नगरम उभयतः, मिला भी सकते हैं, दोनों ओर, उभयता मतलब पूरा हो गया, दोनों ओर वन है, क्योंकि बहुवचन है तो बनानी कर देंगे, बनानी संति। ठीक है, इस तरह से इसको प्रयोग कर लेंगे, नगरम उभयता बनानी संति। अगला है, घर के चारों ओर फल हैं, चारों ओर फल हैं, ठीक है, तो हमें पता ही है इसकी गृहम आ जाएगा। अब इसमें गृहम इसका ना लेकर के, क्योंकि सर्वतः चारों ओर की सर्वतः, फलम फले फलानी संति, घर के चारों ओर, चारों ओर फल हैं, तो गृहम क्योंकि सर्वतः आ रहा है चारों ओर, इसके कारण जिसके चारों ओर जो चीज वस्तु होती है उसमें सीधे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर लिया जाता है, क्योंकि फल बहुत सारे हैं तो फलानी संति, ठीक है। दुर्जन को धिक्कार है, धिक दुर्जनम, सीधा प्रयोग है, इसमें कोई ज्यादा लगाव नहीं है इधर उधर का। संसार के ऊपर ऊपर सूर्य है, ऊपर ऊपर ही, तो लोक या लोकम, क्योंकि इसमें लोका नहीं लगेगा, लोकम लगेगा, ऊपर ऊपर ही जो लग रहा है, पहले ही नियम में 17 में दे रखा है, ऊपर ऊपर ही, अधोवदा आदि आदि, इनके साथ में सीधे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ऊपर ऊपर है तो लोकम, ऊपर ऊपर ही सूर्य अस्ति, ठीक है। अब सूर्य के लिए इन्होंने कुछ और प्रयोग किया है क्या? नहीं, कुछ नहीं है, सूर्य ही सीधे करेंगे। गांव के नीचे नीचे अधोधा, ग्रामम अधोधा जलमस्ति, लोक के अंदर अंदर राम है, लोकम, इसमें याद रखना कि अंदर अंदर की हमने देखा है सीधे अधि का प्रयोग किया गया, अधिमानी अंदर, तो अंदर अंदर दो बार प्रयोग है तो अध्यधा, ठीक है ना, अध्यधि, लोकम अध्यधि रामा अस्ति, संसार लोक के अंदर अंदर राम हैं, यहां जो हैं वो सम्मान के लिए प्रयोग है, बहुवचन के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। अंतरांतरण युक्त द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, अंतरा मानी बीच में, अंतरण मानी बिना, यहां देखिए अंतरण मानी बिना और अंतरा मानी बीच में, और बिना मानी भी बिना होता है, तो इसमें बोला गया है, इसको लिख देते हैं थोड़ा सा सरल है, आपको शायद ये लग रहा होगा बहुत ही सरल होता चला जाता है जब पढ़ते हैं तो ढंग से। गांव और विद्यालय के बीच में
जल है। यहां इन्होंने अंतरा को दर्शा भी रखा है, सीधे लगा सकते हैं, तो ग्रामम विद्यालयम, क्योंकि हमने और संस्कृत में जाना था कि और जो भी है दोनों शब्दों के बाद में प्रयोग किया जाता है। च अंतरा जलमस्ति, ठीक है, ग्रामम विद्यालयम च अंतरा जलम अस्ति, इस तरह से इसको बोला जाएगा। धर्मम, धर्म के बिना सुख नहीं है, तो इसमें सीधा प्रयोग कर लेंगे, इन्होंने अंतरेण और विना दोनों शब्द का यहां पर प्रयोग कर दिया गया है, तो धर्मम अंतरेण सुखम नास्ति, सीधा है कि अब संस्कृत हम अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं। रमेशः आसन पर बैठता है, तो रमेशः, अब आसन की क्या है, आसनम सीधे प्रयोग कर लेंगे, बैठने की, क्योंकि हमने इसमें जाना है, अधि का इसमें प्रयोग किया जाएगा, तो अध्यास्ते अधितिष्ठति या अध्यास्ते दोनों का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। पुत्र घर में सोता है, तो पुत्रः सीधे इसमें प्रयोग कर लेंगे, गृहं अधिशेते, कृष्ण 10 वर्ष तक अध्ययन करता है, इसको एक देख लेते हैं ना, रमेश आसन पर बैठता है, क्योंकि बैठने की, तो रमेशः आसनम अब बैठने की दो हैं, आस मानी बैठना भी होता है और तिष्ठ स्था मानी बैठना होता है, तो अधितिष्ठते और अध्यास्ते दोनों इसमें प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें यहां दोनों हम लगा सकते हैं, तो वाक का प्रयोग करके दोनों प्रयोग कर लीजिए, या दोनों तरह से बना के दिखा देते हैं। अधितिष्ठति या रमेशः आसनम अध्यास्ते, इस तरह से ये प्रयोग किया जाएगा, दोनों मैंने देख ली, एक ये और एक ये, दोनों रमेशः आसनम अध्यास्ते, अधितिष्ठति और अध्यास्ते, इस तरह से इसको प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। बिना तो हो ही गया, कृष्ण 10 वर्ष तक अध्ययन करता है, इसको देख लेते हैं ना, कृष्ण 10 वर्ष तक अध्ययन करता है, कृष्ण सीधे करता है, तो कृष्ण 10 वर्षाणि बहुवचन है, दस वर्षाणि अध्ययन करता है, अध्ययनम करोति, ठीक है। आगे है इसमें, महेश 5 दिन तक लिखता है, तो महेशा 5 दिनानि लिखति, ठीक है। देवदत्त कोश भर चलता है, देवदत्ता क्रोशम चलति, इस तरह से ये सीधा प्रयोग सभी में कर लिए जाते हैं।
अब इसमें अशुद्ध और शुद्ध वाक्य बचे हैं और कुछ नहीं बचा है। एक देख लेते हैं इसको कैसे शुद्ध करना है, फिर आप अच्छे से कर पाएंगे। त्वं पुष्पाणि पश्यतु। अब इसमें अशुद्ध क्या है, त्वं लगा हुआ है तो पश्यतु लगा हुआ है, तो ये सही है नहीं है। दूसरी चीज, यहां पर हमने जाना था कि सा और रा और शा जब भी रहेगा तो ना के स्थान पर णा का प्रयोग कर दिया जाएगा, तो ये दोनों ही यहां पर अशुद्धियां हैं। तो यहां तुम पुष्पाणि पश, इस तरह से ये प्रयोग किया जाएगा। यहां पर इसमें शुद्ध रूप में दर्शाया भी गया है, लेकिन कुछ होते हैं, जब मैं अध्ययन करा रहा था एक बार तो कह रहे थे बच्चे कि हम इसको ना बदल के, हम इसको बदले तो त्वम की जगह हम सह कर दें तो पश्यतु रहेगा, ठीक हो जाएगा। मैं ठीक है बात, लेकिन हमें याद रखना है कि क्रिया के अनुसार कर्ता नहीं चलता, कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। इसको देख करके इसको नहीं बदलेंगे, हमको इसको देख करके ये बदलना है, अर्थात कर्ता को देख करके क्रिया में बदलाव करना है, ना कि क्रिया को देख करके कर्ता में बदलाव करेंगे, तो फिर अशुद्ध हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहा उसका। ये छोटी सी बात है इसमें, इसीलिए मैंने इसको बताने का प्रयास किया, और आपको ये लाभकारी अवश्य सिद्ध होगा। आज के लिए इतना ही।